कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन हमने यूनिवर्सिटी में सर से इतने अच्छे से पढ़ी कि आज मैं अपने आप को साइकोलॉजिस्ट भी कहूं तो कोई मुझे रोक नहीं सकता। चैलेंज करके दिखा दे, ठीक है, कोई नहीं रोक, नहीं कोई चैलेंज। तो इसके ऊपर बड़ी मजे की बात हुई। अब साथ साथ चलते हैं तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा, अब मैंने जो है एक अपने सेशन के अंदर अपने आप को, मैंने नहीं एक टीवी इंटरव्यू के अंदर मेरे पे रिसर्च करके हमें टीवी इंटरव्यू पे बुलाया, और नेशनल टेलीविजन के ऊपर मुझे जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने एज अ साइकोलॉजिस्ट उन्होंने पहली दफा वहां लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, ठीक है ना, बेस्ड ऑन उन्होंने कोई अपनी टीम में रिसर्च की होगी भाई, और माइंड साइंसेज प्रोफेशनल और साइकोलॉजिस्ट मुझे टीवी से लकब मिला, उसके बाद फिर मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया। खैर, जब उनको, जब मुझे ये लकब मिल गया साइकोलॉजिस्ट का, तो उसके बाद वो इंटरव्यू मार्केट में आया। अच्छा, अब हमारे साथ एक दोस्त बैठा, अब ये वो दोस्त नहीं जो आईबी वाला, दूसरा एक दोस्त आया हुआ बैठा हुआ, उसने बोला, यार उमर मेरी एक दोस्त है, उसने कराची यूनिवर्सिटी से 5-4 साल साइकोलॉजी पढ़ी, उसके बाद उसने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, वो कह रही है यार कि हम 4 और 6 साल की टोटल पढ़ाई करने के बाद अपने आप को साइकोलॉजिस्ट नहीं कह सकते, ये बंदा बीबी एमबीए करके अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कैसे कह रहा है। सही है, कहने का मकसद क्या है कि इट इज नॉट व्हाट यू आर सेइंग, इट इज व्हाट अदर्स आर परसीविंग यू एज। मैंने तो नहीं कहा था कि भाई मैं हूं, लेकिन उन्होंने खुद ये कहा, हाँ लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमने बड़ी किताबें वो हमने पढ़ी है, हमने उसको समझा, हमने उसको एग्जीक्यूट किया है। इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको और दूं। आजकल मैं फिटनेस कंसल्टेंट हूं, आजकल मैंने अपना जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूं एज पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट। अब आप बोलेंगे यार फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट कैसे हो गया, जहन में आ रहा है सवाल, इसको भी जस्टिफाई करते हैं। अच्छा, जब मैंने ये वाली चीज अपने आप को एज फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट कराई, इसको भी समझे ताकि फिर हम साथ साथ सारी चीजों को कनेक्ट करें। पर्सपेक्टिव हमने तब्दील करना है, अगेन कंज्यूमर की, कस्टमर की, मार्केट की साइकोलॉजी को देखते हुए। डाइटिशियन वो बंदा है जो एक देसी घर की नॉर्मल जो डाइट अवेलेबल होती है उससे डाइट बनाना जानता है। एक देसी लफ्ज डाइटिशियन का आपने सब सुना होगा, डाइटिशियन डाइटिशियन डाइटिशियन। अब जब हम वेस्टर्न नॉलेज से एक्सपोज हुए, जब दवाइयों का, ड्रग्स का, सप्लीमेंट्स का, फैट लॉस पिल्स का मार्केट में एक रुझान बढ़ा, तो जो बंदा इन सब चीजों को समझता था तो डाइटिशियन का एक फैंसी लफ्ज हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है ना। अब लोग अपने आप को जिस तरह से बिजनेसमैन नहीं कहना चाहते, एंटरप्रेन्योर कहना चाहते हैं, इसी तरीके से डाइटिशियन अब अपने आप को कोई कहना नहीं चाहता, न्यूट्रिशनिस्ट, समझ रहे हैं, सिर्फ लफ्जों का, बस बस सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। अगेन कंज्यूमर जो गेम खेल रहा है वो कंज्यूमर माइंडसेट समझता है। अच्छा अच्छा, अब एक चीज बड़ी, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट समझ में आ गया। अच्छा, अब एक बंदा होता है ट्रेनर, मैं जिम का ट्रेनर हूं, एक्सरसाइज कराऊंगा, बड़े बड़े मैं एक्सरसाइज कराना जानता हूं। ट्रेनर वो बंदा है जो एक्सरसाइज कराना जानता है, एक्सरसाइज पे उसको कमांड है, ठीक है ना। अब एक अच्छा डाइटिशियन अगर ट्रेनिंग कराना नहीं जानता, या एक अच्छा डाइटिशियन जिसको सप्लीमेंट्स की नॉलेज नहीं है वो ट्रेनिंग कराना नहीं जानता, वो अच्छा गाइड आपको नहीं कर सकता। सिर्फ डाइट आपको गाइड नहीं कर सकती कि आपने अपने रिजल्ट्स कैसे अचीव करने, ठीक है। इसी तरीके से एक ट्रेनर जो एक्सरसाइज कराना जानता है उसको डाइट की नॉलेज नहीं है, वो भी आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता, ठीक है। अब एक बंदा आया बोला 30 मार खान, यार मैं डाइट भी जानता हूं, मैं न्यूट्रिशन भी जानता हूं, और मैं जो ट्रेनिंग कराना भी जानता हूं, ये भी रिजल्ट नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि हर बंदे की साइकोलॉजी मुख्तलिफ है, कौन बंदा किस चीज से मोटिवेट होता है, किस चीज से मोटिवेट नहीं होता। आपको जब तक क्लाइंट की साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी आप उसको रिजल्ट नहीं दे सकते, ठीक है ना। अब एक बंदा आया, उसने बोला यार मैं डाइटिशियन भी हूं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हूं, ट्रेनर भी हूं, और अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी हूं, वैसे तो कोई है नहीं, लेकिन एक बंदा आ गया उसने बोला हूं, ठीक है सर। तो हम उसको बोलेंगे बेटा साइकोलॉजी समझने के लिए तुम्हें माइंड साइंसेस का समझ में आना जरूरी है। माइंड साइंसेस अलग कहानी है, साइकोलॉजी अलग कहानी है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम अलग बात कर सकते हैं। तो अब ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो हमने बोला ऐसे बंदे का नाम है उमर बिलाल अहमद, और जो वन विंडो सॉल्यूशन होता है उसे कंसल्टेंट कहते हैं। कंसल्टेंट इज समवन हु इज गोइंग टू गिव यू अ होल 360 डिग्री सॉल्यूशन अपनी फील्ड से रिलेटेड। सो अगर आप मेरे पास फिटनेस से रिलेटेड आते हैं तो मैं क्या करूंगा, आपको वन विंडो सॉल्यूशन दूंगा, तुम्हें डाइट चाहिए, तुम्हें दवाइयां चाहिए, अगर चाहिए नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, तुम्हें ट्रेनिंग करनी है क्या करनी है, तुम्हारी साइकोलॉजी का इशू है, तुम कैसे मोटिवेट हो गई है, तुम्हारे माइंड के अंदर क्या गड़बड़ चल रही है, वो भी हमें पता है, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द क्रेडिबिलिटी, ठीक है, द क्रेडिबिलिटी, ठीक है, सिक्स पैक्स। अब मैं मोटा पेट लेके आ जाऊं, बोलूं मैं फिटनेस कंसल्टेंट हूं, कोई नहीं मानेगा। सो ठीक है, समझ गए। सो यू नीड टू हैव अ क्रेडिबिलिटी, ये समझ में आई बात। तो हमने अब मार्केट के गैप को एनालाइज किया, लर्न टू बन के कैसे, कि जब मैंने सेवियर बेज बाज के, जब मैंने थैंक यू वेरी मच कर दिया और अब मैं फ्री हुआ, सो मैंने अपने सिक्स पैक्स बनाए, क्योंकि अब मेरे पास सेवियर बेचने के बाद मेरे पास तसल्ली से टाइम था अपनी फिटनेस को देने के लिए। अब मैंने 6 वीक्स डिसिप्लिन के साथ जो चीजें पढ़ी हुई थी, समझी हुई थी बड़े अरसे से, 2018 के अंदर मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी, ठीक है।
और मैं जो हूं अप्लाई करके 6 वीक्स के अंदर मेरे एब्स क्लियर हो गए, मैंने तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे लगाई तो इंडस्ट्री के 15-15, 20-20 साल पुराने लोग जो फिटनेस कर रहे थे, ट्रेनिंग कर रहे थे, करा रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार उमर सिक्स पैक्स कैसे बनाए। अगेन मार्केटिंग वाला जो बंदा होता है, जो कॉन्शियसली माहौल को एनालाइज कर रहा होता है, गौर फिक्र कर रहा होता है, हर चीज की डेप्थ में जा रहा होता है, उसके दिमाग, उसकी कान आके हर वक्त खुली हुई होती है। जरूरी नहीं है कि आप ये सोच के बैठोगे कि आज मैं आइडिया जनरेट करके उठूंगा, नहीं, आपका दिमाग, आप हाजिर दिमाग होने चाहिए उसके लिए। हाजिर दिमाग आप थे तो मेरे उस बंदे के उस दिन बड़े सारे मुझे लोगों ने पूछा उमर सिक्स पैक्स कैसे बनाए, सिक्स पैक्स कैसे बनाए। मैंने गैप एनालाइज किया कि इंडस्ट्री में 20 साल से एक्सरसाइज कर रहा है और इसको ये, और ये जिम का ट्रेनर है, इसके जिम चल रहे हैं और ये बंदा मुझसे पूछ रहा है कि सिक्स पैक्स कैसे बनाए, इसका मतलब नॉलेज का फुकदान है। नॉलेज का फुकदान ओरिजिनली नहीं है, नॉलेज देने वालों का फुकदान है। गैप, people are in the industry, they are exercising for 15-20 years and they still don't have an idea about how to make six pack abs. aur logo ke zehen mein ye tha ki dawaiyan, supplement, drugs khane padte hain, injection lagane padte hain. humne natural diet ke sath baghair dawaiyon supplements ke apne results achieve kiye. to maine bola jab main kar sakta hu to normal public bhi kar sakti hai. normal public ke paas ye sawal ka jawab nahi hai, that means unko sawal ka jawab dene wala banda maujood nahi hai. गैप एनालाइज हो गया, बैठे बैठे एक आइडिया हो गया। मैंने दोस्त को शाम को बुलाया, मैंने बोला यार मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को सिखाऊं, तो कंपनी का नाम होगा कुछ लर्न से, लर्न टू, उसने बोला बर्न, मैंने बोला लर्न टू बर्न, हाँ मैंने बोला लर्न टू बर्न, लर्न टू बर्न, मैंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा राइम कर रहा है, मैंने बोला लर्न टू बर्न बड़ी अच्छी बात है यार, तुम जलाना सीखो, फैट बर्न करते हैं ना हम लोग, ठीक है। तो मैंने बोला यार लोगो बनाओ। अब आपको कंपनी का नाम, आइडिया ऐसे रखना होता है जो कि स्केलेबल हो। लर्न टू बर्न, मैंने बोला कि इसको मैं बड़ी जगह पे प्ले अराउंड कर सकता हूँ, फैट भी बर्न करा सकता हूँ और नेगेटिव माइंडसेट को भी बर्न करा सकता हूँ। तो मैं लर्न टू बर्न की शाख के नीचे फिटनेस कंसल्टेशन भी कराता हूँ, फैट बर्न भी कराता हूँ लोगों का, और मैं लर्न टू बर्न की शाख के नीचे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कराता हूँ कि आपके नेगेटिव माइंडसेट को बर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो लर्न टू बर्न हो गया। तब से लेके 2018 जुलाई से लेके अब तक 22,000 प्लस क्लाइंट्स मैं पेड कंसल्ट कर चुका हूँ। मिनिमम मेरा क्लाइंट, आजकल फीस मेरी 6,000 हो गई है 3 महीने की, लेकिन मिनिमम मेरा क्लाइंट 3,000 रुपए का होता है, क्योंकि पहले जरा सस्ता दौर था तो हम सस्ते चल रहे थे, तो मिनिमम क्लाइंट मेरा इतना है। तो इतने में पैसे बना चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब उस चीज को मैं डिजिटल लेके जा रहा हूं। तीसरी एग्जांपल दे रहा हूं गैप एनालिसिस की। दो समझ में आ गई, सेवियर का कार्ड समझ में आ गया और लर्न टू बर्न भी समझ में आ गया। उस लर्न टू बर्न के ऊपर मैंने मेजरली फोकस किनको किया, 80% ऑफ माय क्लाइंटेल इज वुमेन। कौन सी खवातीन? हाउस होल्ड वुमेन। कौन सी खवातीन? जो रिलीजियस खवातीन है, जो जिम नहीं जा सकती, जो मर्दों के साथ ट्रेन नहीं कर सकती, ठीक है, उनको बगैर एक्सरसाइज के सोल्यूशन चाहिए। हमारी बेचारी खवातीन औरतें जो है उनके पास घर में इतना बिजी हो जाती है, घर के काम चीजें सारी चीजें, उनके पास अपनी सेहत को देने के लिए टाइम नहीं है, समझ गए। तो उनके पास टाइम नहीं है, उनको सोल्यूशन चाहिए बगैर दवाइयों सप्लीमेंट ड्रग्स के। क्योंकि अगर एक जगह ये बंदा खड़ा होगा जो बोलेगा कि मैं दवाइयों सप्लीमेंट से आपका रिजल्ट अचीव करा रहा हूं, और एक जगह एक बंदा बोलेगा कि बगैर दवाइयों सप्लीमेंट्स के, बगैर एक्सरसाइज के, आपके घर पे आपके मनी बैक गारंटी के साथ रिजल्ट अचीव करा रहा हूं, लोग किसके पास जाएंगे, ठीक है। तो वो खवातीन इधर आ रही है। मर्द होते हुए मेरा 80% क्लाइंटेल 20,000 में से खवातीन का है। इतना अच्छा ट्रस्ट फैक्टर है खवातीन का मेरे साथ। और मैं खवातीन पे क्यों फोकस हूं? क्योंकि खवातीन घर में खाना पकाती है, खवातीन रोल मॉडल है। मैं खातून को अगर ट्रेन कर दूं तो घर में खाना अच्छा पकेगा, अल्टीमेटली उस बेचारे आदमी की भी सेहत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आदमी अपनी सेहत कुर्बान करता है अपने घर वालों के लिए। उस पर सुबह से शाम निकलना इसीलिए है कि मैं घर वालों का पेट पालूं, वो अपनी सेहत, अपनी शक्ल सूरत की फिक्र नहीं करता। आदमी तो एंजॉय जो करेगा वो अल्लाह क्या जाके इंशाल्लाह करेगा, इसीलिए अल्लाह ने उसके लिए प्रोटोकॉल रखे हैं भाई। 70,000 हो रहे उसके लिए ऐसी थोड़ी रखी है, क्योंकि जिंदगी में जो वो कुर्बानी दे रहा है उसका सिला अल्लाह उसको वहां देगा भाई। ये मजाक नहीं है, ये बड़ी लॉजिकल रीजनिंग है। एक इंसान, एक आदमी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक धक्के खा रहा होता है सर गालियां। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। मैं बहन को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा है, रस्ते में मैं गुलशन चुरंगी के पास से गुजरा, मैंने लेफ्ट के ऊपर सर ट्रैफिक जैम था, मैंने लेफ्ट के ऊपर देखा तो मैंने एक इंस्टीट्यूट देखा जो शीशे की जिसकी दीवार थी, और अंदर 50-60 बंदा इसी तरह से कुर्सी पे बैठ के रात के 8:30-9 बजे बैठ के कोई क्लास ले रहा था कंप्यूटर की, एपटेक कोई जगह थी शायद, एपटेक का था, किसका ऑफिस था। मेरी आंखों में आंसू आ गए उस टाइम के ऊपर, ईमानदारी वाली बात बता रहा हूं। मैंने ये देखा कि यार रात के इस पहर सर्दियों के अंदर ये जितने भी आदमी इस वक्त, और आदमियों से भरी हुई थी क्लास, मैंने बोला ये आदमी अगर इस टाइम के ऊपर क्लास ले रहा है, कोई चीज इल्म हासिल कर रहा है, ये इसकी मोटिवेशन क्या है? इसकी मोटिवेशन इस आदमी की ये है कि ये यहां पे कुछ सीखे जिसको जाके मार्केट में अप्लाई करे, जिससे ये अपना हलाल रिस्क कमाए और अपने घर वालों को जाके फैसिलिटेट करे। क्योंकि इसके घर में जो इसकी खवातीन है वो इस आदमी की मेहनत पे डिपेंड करती है,
मैं बताते हुए इमोशनल हो रहा हूं ये बात, मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूं औरतों की, अपनी जगह एक रिस्पेक्ट का उनके वो चीज है, लेकिन आदमी को अगर आप एनालाइज करें कि वो किस कदर कुर्बानी दे रहा है, तो आपको अल्लाह के नबी ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि अगर हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता कि वो अपने खाविंद को सजदा करें। वो गालियां खाता है औरतों के लिए, वो अपने बीवी बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए, जूते पहनाने के लिए, उनको खाना खिलाने के लिए वो धक्के खाता है। आप लोग जो सारे यहां पे बैठ के मेरे बावले की बातें सुन रहे हो, क्यों कर रहे हो? यू वॉन्ट टू सपोर्ट योर फैमिली, समझ रहे? आप अपने घर वालों की, आप ये नहीं चाहोगे कि आपकी बहन जाके कहीं ख्वारी करे, आपकी माँ जाके कहीं किसी से मांगे, तो आप उस नियत से यहां पे आए हुए हो, और उस हलाल नियत के तहत जब आप यहां पे बैठ के मेरे बावले की बातें सुन रहे हो, तो ये अल्लाह अजर में लिख रहा है आपके, ये नेकी में शुमार हो रही है आपकी ये सारी चीजें। आपको पता है ये बात? आपको शायद ये पर्सपेक्टिव किसी ने नहीं दिया होगा। आप जो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले हैं, अगर हलाल रिस्क के उसूल के लिए, इल्म हासिल करने के लिए एक बंदा अपने घर से निकलता है, तो फरिश्ते उसकी दुआ मगफिरत की कर रहे होते हैं आने से लेकर जाने तक के लिए। किसके लिए? वो तो अब हम दे, अगर हम दे पाए तो वो होगा, उसका अजर अल्लाह से एक्सपेक्टेड है भाई, ठीक है, अल्लाह आपके दिल में डालेगा। ये चीज है, कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कहने का मकसद क्या, जब हमने तीसरी चीज एनालाइज करी, पहली क्या थी, सेवियर, फिर लर्न टू बर्न हमने एनालाइज किया, और फिर हम खवातीन को कंसल्ट कर रहे थे। अब मैंने रिसेंट पीरियड के अंदर एक चीज और एनालाइज की, मैंने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर फिटनेस की कोई ऐप ही नहीं है। गौर करें अब आप, कितनी कॉमन बात है लेकिन है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, मतलब चीज हम लोग के सामने पड़ी हुई है, और फिटनेस की ऐप बनाना कौन सा मुश्किल काम है? पाकिस्तान की कोई फॉर्मल फिटनेस ऐप ही नहीं है पूरे पाकिस्तान की, पाकिस्तान के नाम से तो छोड़ो, पाकिस्तानी किसी ने फिटनेस ऐप ही नहीं बनाई, 22 करोड़ पाकिस्तान ने एक फिटनेस ऐप नहीं बनाई अभी तक, अंदाजा लगाओ कितनी कॉमन चीज है। मैंने ये देखा, मैं खुश हो गया। अब मैंने बोला अल्लाह क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जहन में नाम आया, मैंने बोला पाक फिट, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ठीक है, पाक फिट। ये सेवियर वेवियर से, हाँ हाँ, उसका 4 दिन पहले स्टेटमेंट पढ़ा था, पर वीक 22 करोड़ रुपए की अर्निंग कर सकता है उस ऐप से, पर वीक, महीने का पगार, ठीक है। पाक फिट, पाकिस्तान फिटनेस, पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस ऐप। अब मिसाल के तौर पे कोई बोलेगा यार मेरी फर्स्ट है, मेरी फर्स्ट है, पहली चीज पाकिस्तान और फिट, पाक फिट तो था ही नहीं, नाम मैंने पाकिस्तान का पकड़ लिया, मैंने ट्रेडमार्क कॉपीराइट भी करा दिया, ठीक है। लर्न टू बर्न का मैंने डिजिटल उसको कर दिया कि इट्स गोइंग टू बी पाक फिट, लर्न टू बर्न के पेज को मैंने रीनेम कर दिया, कैसे, पाक फिट पावर्ड बाय लर्न टू बर्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि एकदम से अगर मैं लर्न टू बर्न को हटा के पाक फिट कर दूंगा तो लोग कंफ्यूज होंगे, लर्न टू बर्न कहां गया, बंद हो गया। एक चीज और है, इसमें कहते हैं ब्रांड लेवरेजिंग, यानी कि जो नाम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है लर्न टू बर्न, उसकी क्रेडिबिलिटी यूज करते हुए नए ब्रांड को प्रमोट करना। बिल्कुल, समझ गए आप लोग, ठीक है, ब्रांड लेवरेजिंग हमने कर ली, पाक फिट पावर्ड बाय लर्न टू बर्न हो गया, ट्रेडमार्क भी करा लिया, कॉपीराइट भी करा लिया, इट इज गोइंग टू बी पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस ऐप, फर्स्ट डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म। अब ये खुद इटसेल्फ क्या है, ये एक बड़ी डिबेट है, ये जब मैं इंशाल्लाह लॉन्च कर दूंगा दिसंबर एंड या जनवरी मिड तक, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज जाऊंगा, फिटनेस स्कॉलरशिप भी हमारा देने का प्रोग्राम है इस प्लेटफॉर्म के अंदर। एक साल के अंदर मैं गारंटी दे रहा हूं, हालांकि मेरे हां को तालुक नहीं, एक साल के अंदर जिस दिन से लॉन्च करेगा मैं गारंटी दे रहा हूं ये 10 करोड़ से ऊपर जाएगा एक साल के अंदर, इंशाल्लाह 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 सर, अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। अब तो रुपए में खेलना ही नहीं है सर, अब तो पाकिस्तानी भाई, पाकिस्तान को जरूरत है डॉलर्स की, अब हम पाकिस्तान, और मैं वो वाला आदमी नहीं हूं जो पाकिस्तान से बाहर भाग जाऊं, मेरी हमारी तो गुत्थी में हमारे हमने बिठाया हुआ है, और खान साहब ने भी ड्रिल कर दिया पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना, ठीक है, तो हम हमारा तो सारा जीना मरना पाकिस्तान में, हम हाँ तो सर मैं आप ही खान की बात कर रहा हूँ, आप भी खान है, आप लोग क्या समझे, ठीक है, तो हमारे खान तो यही है भाई, आप लोग क्या समझे। खैर खैर, कहने का मकसद क्या कि एक और गैप एनालिसिस किया, यूनिक ऑफरिंग दे रहे हैं अब, और वो प्लेटफॉर्म क्या है वो अभी हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी वन विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल योर फिटनेस क्वेरीज। और मैं ये भी कह सकता हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह उस जो मेरा विजन है उसको लेके मैं कहता हूँ कि जो परस्पेक्टिव पाक फिट को लेकर है वो दुनिया की किसी फिटनेस ऐप में नहीं है, मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट अगर मेरे जहन में जो विजन है ना उसको रिलेटेड वो इतना बड़ा है कि वो इसमें दुनिया की कोई ऐप उस तरह से काम नहीं कर रही। दूसरी चीज, मैं इस पाक फिट नाम मैंने पाक क्यों रखा, मिसाल के तौर पे, क्योंकि मैं जरा थोड़ा सा, क्योंकि आपको फ्यूचरिस्टिक भी सोचना पड़ता है, यू हैव टू बी विजनरी समटाइम्स, एंड विदाउट अजम्पशंस यू कैन नॉट मेक अ, यू कैन नॉट डू प्रॉपर थॉरो प्लानिंग। पाक मैंने नाम क्यों रखा, मैंने सोचा यार मिसाल के तौर पे मुझे कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आता है और बोलता है कि यार मुझे बाय करना है पाक फिट सेवियर की तरह से, तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन नाम मैं इतना एस्टेब्लिश कर चुका हूँ, वो नाम चेंज करेगा तो उसको बड़ा इशू होगा, क्योंकि पाक तो पाकिस्तान है, लेकिन नहीं,
Pak means pure. So this, when it goes international, this is going to be Pak Fit, pure fitness. पकड़ा आपने? क्या कहना चाह रहा हूं? So ये नाम को भी आप गेम खेल सकते हो भाई, अभी पाक है पाकिस्तान, आगे चल के पाक प्योर हो जाएगा, सही है? So आप इसको इंटरनेशनल भी खेल सकते हो. कहने का मकसद क्या है कि आप एक कदम आगे रह के सोचते हो कि मैंने क्या करना है. करें सर साथ साथ, हम भी सीख रहे हैं सर. तीसरी चीज, नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, अच्छा हमें भी सोचने का बीच में टाइम मिल जाता है, गैप मिल जाता है. वो खान साहब को पानी पिलाते हैं ना जलसे के दौरान, अब मैं वाले खान साहब की बात कर रहा हूँ ताकि वो अगला सोचें कि क्या बात करनी. खैर, थॉरो प्लानिंग के बाद तीसरी चीज है जिसके ऊपर हम इख्तिताम करेंगे इसको, कैलकुलेटेड. अब ये तो आजकल के एंटरप्रेन्योर है ना, है तो बिजनेसमैन लेकिन एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं यार, तुम्हें दिल खुश करने के लिए तुम्हें कह दिया हमने एंटरप्रेन्योर, बस तुम परचून की दुकान चला रहे हो, तुम अपने आपको परचून वाला नहीं कहना चाहते, तुम अपने आपको बिजनेसमैन नहीं कहना चाहते, तुम अपने आपको कहना चाहते हो ना एंटरप्रेन्योर, हमने मान लिया तुम एंटरप्रेन्योर हो, बस खुश हो जाओ. हो बगैर प्लानिंग के साथ, जब ये वीक होगी तो रिस्क एनालिसिस भी सही नहीं होगा. रिस्क आपको कैलकुलेटेड लेना पड़ता है. इसकी छोटी सी मिसाल देता हूं, समझ आ जाएगी आपको. मैं सेवियर स्टार्ट करने से पहले समा में परमानेंट हो गया था, क्योंकि मेरे पेपर्स खत्म हुए दिसंबर 2014 में. दिसंबर 2014 के अंदर बीबीए के मेरे पेपर्स खत्म हुए फाइनल के, और दिसंबर के फाइनल पेपर से जस्ट पहले समा वाले ऑडिशन लेने आए यूनिवर्सिटी में. 400 बच्चों में से मैं वाहिद था जो सेलेक्ट हो गया. हाँ लड़कों में सर, वो हम सब ट्रेनिंग जर्नलिस्ट थे. मैं तो लड़कों की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मार्केट करते हुए आपको स्टेब्लिश करना है अपनी यूनिकनेस को. तो मैं वाइज सेलेक्ट हो गया लड़कों में से, लड़कों में से मैं वाइज सेलेक्ट हो गया. ठीक है जी. अब जब मैं लड़कों में से वाइज सेलेक्ट हो गया, तो अब जब मैं, हम एज अ ट्रेनिंग जर्नलिस्ट गए, वो लॉन्ग स्टोरी, 9 महीने मैंने समा में काम किया. समा छोड़ने के बाद, समा छोड़ा मैंने कैसे, उस दौरान सितंबर में मैंने समा छोड़ा, जुलाई में, जून जुलाई में मेरे पास सेवियर का आइडिया कंसीव हो गया है, और मैं अपनी थॉरो प्लानिंग मैंने शुरू कर दिया माइंड में भी और अपने साथ कागज के ऊपर भी. थॉरो प्लानिंग आपको वर्ड के डॉक्यूमेंट पे नहीं करनी होती, थॉरो प्लानिंग आपको एक्सेल शीट पे नहीं करनी होती, थॉरो प्लानिंग आपको जो है वो जहन में था. वो सर उसको एमबीए स्टार्ट कर दिया था ना मैंने, एमबीए, हाँ, एमबीए मैंने स्टार्ट कर दिया था ना, क्योंकि मैंने जून जुलाई में कंसीव हुआ और फॉल सितंबर से मैंने जो है अपना यूनिवर्सिटी एमबीए स्टार्ट हो गया. तो एमबीए का मेरा पहला सेमेस्टर था, और फिर मैं सर के साथ मैंने वो चीज डिस्कस करना शुरू कर दी थी. ठीक है. अब जब हमारा ये वाली सारी चीज आई, तो अब क्या हुआ कि मैंने 9 महीने के बाद ये फाइनल डिसाइड किया कि यार मुझे अब समा छोड़ना है. उस वक्त मैं समा से मुझे 25,000 रुपए कैश मिलते थे, कैश, और मैं टीवी कमर्शियल्स कर रहा था, तो एक कमर्शियल के एक आध दिन के हमें 1-2 लाख रुपए भी मिल जाते थे. तो जो मैंने लास्ट उस महीने में कमर्शियल किया था, यूबीएल का मैंने किया था, यूबीएल के मुझे 4 घंटे के शूट के, जिसमें हमें सिर्फ दांत दिखाने थे, कुर्सी पे बैठ के यही करना था, बर्गर खाना था, और कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, ऐड बन गया, उसके मुझे कोई 85,000 रुपये मिले थे 4 घंटे की शूट के. घर से गाड़ी ने पिक किया, हम वहाँ गए, हमें पूरा वार्डरोब दिया, मेकअप वेकअप हुआ सुकून के साथ, हमने वहाँ बैठ के शूट किया, और हम आए, हमें 85,000 रुपये मिल गए. ठीक है, ठीक है. तो इस तरह से मैं अपने पैसे कमा रहा था, घर को सपोर्ट भी कर रहा हूँ और अपने पैसे भी कमा रहा हूँ, और यूनिवर्सिटी की फीस भी अब खुद से देनी है, सारी चीज़ें. तो अब जो है मैंने समा छोड़ना था और सेवियर के ऊपर फॉर्मली काम शुरू करना था, और मुझे ये था कि यार मैंने काम करूं काम करूं काम करूं, मुझे करना है. अब डिसीजन कैसे लें? सो अब मैंने डिसीजन ऐसे लिया कि सितंबर में छोड़ने से पहले अगस्त के अंदर मेरा एक ट्रिप लगा थाईलैंड का, उसमें मैंने कैडबरी का शूट किया जाके. ठीक है, अगस्त के अंदर ही मैंने यूबीएल किया था, और अगस्त के यूबीएल के शूट के अगले हफ्ते ही मैं कैडबरी के शूट के लिए थाईलैंड चला गया. अब मेरे, अब मुझे बजट नहीं बताया हुआ कि कैडबरी के शूट का मुझे कितने पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे जहन में यह था कि लोकल प्रोजेक्ट के मुझे 4 घंटे के 85,000 मिल रहे हैं, तो कैडबरी के शूट के तो अच्छे पैसे मिलेंगे जब हम इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं. सही है. थाईलैंड के ट्रिप पे अगस्त के अंदर भी मेरा जहन सेवियर पे चलता रहा, हम शूट वूट करके वापस आ गए. अब सितंबर स्टार्ट हो गया और मैंने जहन बना लिया कि अब मुझे समा रिजाइन करना है. क्या सोच के, क्या कैलकुलेटेड रिस्क लेके मैंने समा रिजाइन किया वो बता रहा हूं. मेरी परमानेंट जॉब कितने पैसों की थी? 25,000 की. 25,000 मल्टीप्लाई बाय 12, एक साल में मैं कितने पैसे कमा लेता? 3 लाख रुपए. एक साल में समा में काम करता 3 लाख कमा लेता, कमा लेता, मैक्सिमम था ना ये. और इसी में से मैंने अपनी फीस भी देनी थी, सारे मामलात करने थे. तो मैंने 3 लाख
समा से कमाने थे, मेरे अकाउंट में उस वक्त 1.5-2 लाख रुपए पड़े हुए थे और रिसीवेबल्स मेरे पास कैडबरी के शूट वूट के आने थे। मैंने बोला जो 3 लाख मुझे